आज ही के दिन 2 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया था संन्यास। फैंस आज कुछ इस तरह से दे रहे हैं प्रतिक्रिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। तो दोस्तों क्या है, पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम अन्य क्रिकेट की जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के खबर में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की पूरी अपडेट। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने आज ही के दिन 2 साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। धोनी की कप्तानी की चर्चा आज तक हो रही है। फिलहाल अगर आपको उन्हें खेलते हुए देखना चाहते हैं तो उन्हें आईपीएल के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें आप उन्हें खेलते हुए देखेंगे और कप्तानी करते हुए भी आईपीएल का अगला संस्करण में नजर आएंगे। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से नहीं बल्कि विकेट कीपिंग से भी भारतीय टीम को कई मुकाबलों में जीत दिलाई है। उनके तेज स्टंपिंग करना और किसी के बस की बात नहीं है। अगर महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे खड़े हैं तो बल्लेबाज आगे बढ़कर शॉट खेलने के लिए कई बार सोचता है। आखिरी के ओवर में कितने भी रन होने चाहिए, अगर महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर मौजूद हैं तो दबाव उनके ऊपर नहीं बल्कि गेंदबाज के ऊपर रहता था। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू साल 2004 में किया था। उन्होंने 15 सालों तक इस भार को अपने कंधों पर उठाए रखा। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। दोस्तों धोनी ने अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2019 के वर्ल्ड कप में खेला था। इस मुकाबले में उन्होंने जडेजा के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई थी और लगभग टीम को फाइनल में पहुंचा दिया था। हालांकि मार्टिन गुप्टिल के एक शानदार थ्रो ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ भारतीय टीम के तमाम प्रशंसकों का एक और वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ दिया था। दोस्तों भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साल 2013 का चैंपियन ट्रॉफी भी अपने नाम किया है। आईपीएल के इस संस्करण में महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स टीम की ओर से कप्तानी करते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेली है। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने नंबरों की बात की जाए तो उन्होंने 90 टेस्ट मुकाबले में 38.9 और इसी औसत तथा 59.12 के स्ट्राइक रेट के साथ 48.76 रन बनाए हैं। वहीं दोस्तों इन्होंने 350 वनडे मुकाबले खेले जिसमें 50.58 की औसत से 10,573 रन बनाए हैं और 98 T20 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 37.76 की औसत से और 126.12 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1,677 रन बनाए हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। यह जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम अन्य जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।